हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोचर्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच हुए आज के बीबीएल के मैच नंबर 6 की पूरी हाइलाइट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोचर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो उनके लिए बिल्कुल ही सही साबित हुआ, क्योंकि कोचर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। कोचर्स की तरफ से ओपनिंग करने आए लिथ और डुप्लेसी दोनों बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन भाई साहब लिथ ने पहली बॉल पर चौका लगाया, लेकिन भाई साहब दूसरी बॉल पर आउट होकर पवेलियन लौट गए जैक्सन बर्ड की बॉल पर एलपीडब्ल्यू। फिर बाद में बैटिंग करने आए होप्सन और डुप्लेसी दोनों अच्छे से खेल रहे थे, दोनों आराम से खेल रहे थे, लेकिन भाई साहब डुप्लेसी कुछ ज्यादा ही तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे और फिर नवीन उलहक की बॉल पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। होप्सन भी जैक्सन की बॉल पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। फिर बाद में बैटिंग करने आए जोस इंग्लिश और टर्नर, दोनों कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। टर्नर भी 2 गेंदों में 2 रन बना पाए और पवेलियन लौट गए जैक्सन बर्ड की बॉल पर कैच आउट होकर। इंग्लिश भी भाई साहब नवीद बॉल पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए, सिर्फ 13 रन बना पाए 11 गेंदों में और 2 चौके लगाए। हार्डी और एगर ने दोनों ने एक शानदार पार्टनरशिप लगाई 50 रन की। हार्डी ने जिसमें 55 रन बनाए 32 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से, लेकिन भाई साहब हार्डी भी नवीद की बॉल पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। एस्टन एगर ने भी बहुत ही अच्छी पारी खेली, 24 गेंदों में 24 रन बनाए जिसमें 1 छक्का लगाया और हेडन की बॉल पर पवेलियन लौट गए कैच आउट होकर। फिर बाद में बैटिंग करने आए रिचर्डसन और कैली, रिचर्डसन ने भी 6 रन बनाए 5 गेंदों में, लेकिन भाई साहब डैन क्रिस्टन की बॉल पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। कैली ने भी 13 रन की शानदार पारी खेली 14 गेंदों में और नॉट आउट रहे। एंड्रू टाई भी 6 रन बना पाए 4 गेंदों में और आउट होकर पवेलियन लौट गए। स्कॉचर्स ने 155 रन बना डाले 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में। बात करें तो भाई सिडनी सिक्सर्स की बॉलिंग कैसी देखने को मिली। बर्ड ने 4 ओवर डाले 26 रन दिए 3 विकेट के ली। नवीन उलहक के भी 4 ओवर डाले 33 रन दिए और 1 विकेट ली। सोन हैबर्ट ने भी 45 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट ले पाए, सबसे महंगे रहे सोन हैबर्ट। नवीद ने भी 4 ओवर डाले 22 रन दिए और 2 विकेट ली। कैर ने भी 3 ओवर डाले लेकिन भाई साहब 22 रन दिए सिर्फ 1 विकेट ले पाए। डैन क्रिस्टन ने अपना 1 ओवर डाला 6 रन दिए और 1 विकेट लेके फिर बाद में कोई भी आउट नहीं डलवाया कप्तान ने। अब सिडनी सिक्सर्स के पास टारगेट था सिर्फ 120 गेंदों में 155 रन बनाने थे। टारगेट बहुत ही आसान था, आसानी से चेज कर लेते अगर अच्छे से खेलते तो, लेकिन भाई साहब सिडनी सिक्सर्स अच्छे नहीं खेले। स्कॉचर्स ने इस मैच को 38 रन से जीत लिया क्योंकि सिडनी सिक्सर्स 117 रन पर ऑल आउट हो गए 20 ओवरों में। तो चलिए जानते हैं किस प्लेयर ने कितने रन बनाए और कौन सा प्लेयर कैसा खेला सिडनी सिक्सर्स का। सिडनी सिक्सर्स की तरफ से ओपनिंग करने आए पीटरसन और फिलिप्स, दोनों बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी थी, लेकिन भाई साहब दोनों इतने बेकार खेले, इतने गलत शॉट खेल के आउट हो गए कि अब मैं क्या बताऊं। पीटरसन जे रिचर्डसन की बॉल पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए, सिर्फ 3 रन बनाए 5 बॉलों में। फिर बाद में बैटिंग करने वाइंस भी भाई बड़े आराम से खेल रहे थे, 17 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए और एंड्रू टाई की बॉल पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। फिलिप भी भाई कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए, सिर्फ 6 रन बना पाए 7 गेंदों में और आउट होकर पवेलियन में लौट गए। जहां मानते हैं कि पावर प्ले में अच्छी शुरुआत मिलनी चाहिए थी सिडनी सिक्सर्स को, वो नहीं मिली, बहुत ही गंदी शुरुआत हुई सिडनी सिक्सर्स की। फिर बाद में बैटिंग करने आए कप्तान हेनरिकेस और सिल्क, दोनों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब हेनरिकेस तो अपनी पहली बॉल पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। सिल्क और डैन रिचर्डसन ने एक पार्टनरशिप जमाने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब रिचर्डसन भी आउट होकर पवेलियन लौट गए, सिर्फ 4 गेंदों में 1 रन बना पाए। कैर और सिल्क ने एक शानदार पार्टनरशिप बनाई, 50 रन की पार्टनरशिप खेली, जहां सिल्क ने 41 रन बनाए 32 गेंदों में, वहीं कैर ने भी 42 रन बनाए 35 गेंदों में, लेकिन भाई साहब सिल्क आउट होकर पवेलियन लौट गए, मैथ्यू की बॉल पर कैच आउट हो गए। वहीं कैर भी भाई साहब जे रिचर्डसन की बॉल पर निक होप्सन के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए, क्योंकि रन ज्यादा थे, बॉलें कम थी, तेज खेलना जरूरी था, लेकिन भाई साहब तेज खेलने के चक्कर में आउट होते गए प्लेयर्स। वहीं फिर सोन एबर्ट बैटिंग करने ऐसे 6 रन बना पाए, जो बर्ड भी 2 रन बना पाए, नवीन उलहक भी 2 रन बना पाए और नवीद 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वहीं बात करें तो ओवरऑल बैटिंग बहुत ही बेकार देखने में मिली हमें सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, अगर वो थोड़ा बहुत भी अच्छा खेलते तो ये मैच आसानी से जीत सकते थे। बात करें स्कॉचर्स की बॉलिंग की तो भाई साहब रिचर्डसन ने 4 ओवर डाले 9 रन दिए और 4 विकेट ली, सबसे अच्छी बॉलिंग की रिचर्डसन ने।